Hello everyone, a very good afternoon to all of you. In this video, we are going to discuss live class part 4. And today video is very important because कल के section में हमने pipeline के basics को cover किया है. And मैंने आपको बताया था speed up ratio का formula. तो कल के session में कुछ रह गया था. आज हम उस speed up ratio को cover करेंगे. साथ में किस तरीके के question आपके UGC net में and gate के previous year questions पूछे गए हैं उसको हम कवर करेंगे आज के वीडियो में. एंड हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे स्टॉल्स, जो कहीं ना कहीं पाइपलाइन से ही रिलेटेड है. क्यों? क्योंकि 2019 में जो यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था पाइपलाइन का न्यूमेरिकल, उसमें स्टॉल के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था. तो आपको ये अपकमिंग मई 2021 के लिए ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से आना चाहिए. तो चलिए हम शुरू करते हैं. तो कल का सेशन हमने यहाँ पे कम्प्लीट किया था, डेट इज ये नवम्बर 2020 का क्वेश्चन था. इस क्वेश्चन में आपको सिंपली स्पीड अप रेशियो कैलकुलेट करना है. सो कैसे हम ये प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए कल हमने ये पढ़ा था कि एक पाइपलाइन प्रोसेसर में आपका जो भी सेगमेंट्स, जितने भी आपके फेजेस यूज होंगे, उस फेजेस में आपका एक क्लॉक साइकिल होता है, एक पर्टिकुलर टाइम लगता है. तो उस टाइम में लेट अस सपोज अगर आपके पास एन नंबर का टास्क है, तो उस टास्क को कम्प्लीट करने के लिए आपको टोटल उतने ही क्लॉक पल्स लगेंगे. जैसे अगर मैंने ये बोला कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को डेट इज ए प्लस बी, इसको एग्जीक्यूट करने का सीपीयू में आपके 4 स्टेप होते हैं. डेट इज इंस्ट्रक्शन को फेच करना, एग्जीक्यूट करना, डिकोड करना एंड स्टोर करना. तो ऑब्वियस सी बात है, जितने नंबर ऑफ टास्क होंगे, लेट अस सपोज अगर आपके पास 40 टास्क है, 40 डिफरेंट पर्सन है, तो 40 डिफरेंट पर्सन को ये 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, तो सिमिलरली आपका जब भी पाइपलाइन की बात होती है, तो पाइपलाइन का मीनिंग कि जितने नंबर ऑफ टास्क हैं उसमें उतने नंबर ऑफ आपको टोटल टाइम लगेगा. सबको एक ही नंबर का टाइम लगता है, तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि अगर कोई पहला बंदा है, उसने अगर किसी काम को 10 टाइम्स में किया है, तो टोटल नंबर ऑफ उसका टास्क क्या हो जाएगा कि जितना नंबर ऑफ सेगमेंट है, फेजेस है, के मीन्स सेगमेंट और वी कैन से फेजेस, कि जितना आपका एक स्टेप होता है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स प्लस उसका जो भी टाइम गिवन है, उस टाइम में उसको उतना एग्जीक्यूट करने में लगेगा. इट मींस कि उसका रिमेनिंग जो टास्क है, अगर आपको टास्क दिया गया है 5, तो अगर एक टास्क को करने में उसको 5 दिन लगा लेते सपोज, तो दूसरा टास्क करने में उसको 1 दिन कम लगेगा, तीसरा करने में 3rd डे, 4th में 2 दिन, और फिर फाइनली जब आपका लास्ट डे रहेगा तो उसको कम टाइम लगेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरलीविंग फैशन में आपका हर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, That's why आपका रिमेनिंग टास्क होगा n माइनस 1. तो अब यहाँ से अगर आपको ये पूछा जाएगा कि टोटल टाइम पीरियड एक पाइपलाइन में k सेगमेंट के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जब आपके पास नंबर ऑफ टास्क n है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा? k प्लस n माइनस वे एन माइनस वन. तो यहाँ पे बहुत ध्यान से आप समझिए, n का मतलब होता है टास्क जो आपको क्वेश्चन में गिवेन होगा, tp इज द टाइम, जो P रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम ऑफ पाइपलाइन कि एक पाइपलाइन को एग्जीक्यूट करने में आपको कितना टाइम गिवन है क्वेश्चन में, एंड K रिप्रेजेंट द सेगमेंट्स. ठीक है, तो ये तीनों वर्ड का आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए. तो ये जो फॉर्मूला निकल कर आया, ये फॉर्मूला है आपके पाइपलाइन में कि किसी इंस्ट्रक्शन को अगर आप पाइपलाइन की मदद से एग्जीक्यूट करेंगे तो टोटल इतना टाइम लगेगा. सिमिलरली अगर नॉन पाइपलाइन की बात है, तो यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात आ जाएगी. नॉन पाइपलाइन का मीनिंग है किसी भी तरीके से आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो किसी भी टास्क को अगर टी एन टाइम में कंप्लीट करना है, तो सिंपली जितने नंबर ऑफ आपके टास्क होंगे उसको आप गिवन टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो आपका हो जाएगा नॉन पाइपलाइन. ठीक है, तो अब यहाँ पे स्पीड अप रेशियो क्या होता है, हमने ये देखा है स्पीड अप रेशियो के लिए आपका नॉन पाइपलाइन टाइम पाइपलाइन टाइम होता है. ओके, तो यहाँ पे हमने अभी कैलकुलेट किया नॉन पाइपलाइन टाइम इज एन टी एन, टी रिप्रेजेंट टाइम, n represent ये non pipeline है, and tp represent time taken by pipeline, and these are the formula. तो ये एक formula आपका होता है speed up ratio का, जो formula आपको मालूम होना चाहिए and आपको इसकी note making करनी है. इसमें कई बार questions आपको थोड़ा twist करके दे देगा. twist करने का मतलब है there are so many type of cases. तो case one हम क्या ले सकते हैं कि अगर आपको pipeline कुछ instruction given है और non pipeline कुछ instruction given है, और उसने ये बता दिया कि दोनों का टाइम सेम है. यहाँ पे टीपी रिप्रेजेंट, टीएन रिप्रेजेंट, एक्चुअली ये टाइम टेकन बाय नॉन पाइपलाइन, टीपी मतलब टाइम टेकन बाय पाइपलाइन इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो अगर हमने ये बोला और यहाँ पे एंड ट्रांजेक्शन है और यहाँ पे आप सेगमेंट को लेते हो इस तरीके से, तो अगर क्वेश्चन में ये गिवन है
कि नॉन पाइपलाइन को और पाइपलाइन को एग्जीक्यूट करने में आपको सेम टाइम लग रहा है, तो उस केस में इसको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं होती है, है ना। इट मींस कि नॉन पाइपलाइन में आपका पाइपलाइन का टाइम सेम है, तो आप इस तरीके से डिराइव कर सकते हो उस केस में स्पीडअप क्या निकलेगा। तो जो भी क्वेश्चन में आपका डिफरेंट नंबर ऑफ फेजेस गिवन है, डायरेक्टली आप उसका ये आंसर लगा सकते हो। तो अब ये बात आती है कि मैम क्या इसको याद करना पड़ेगा? नहीं, याद नहीं करना पड़ेगा, बोथ आर सेम। यहाँ पे आपका दोनों टाइम अगर सेम है तो आप फॉर्मूला में क्या डालोगे? बोथ टाइम आर सेम मतलब अगर हमें पता है टोटल नंबर ऑफ टाइम नॉन पाइपलाइन का और टोटल नंबर ऑफ टाइम पाइपलाइन का दोनों सेम आ गया, इट मींस कि आपका ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आया, स्पीडअप हमने क्या देखा है, टोटल टाइम टेकन बाय नॉन पाइपलाइन बाय पाइपलाइन। तो इस फॉर्मूला में क्या पुट कर दोगे? ये वाला। और जब इस फॉर्मूला में ये पुट करेंगे तो ये टीपी टीपी कट जाएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों टाइमिंग सेम है, इसलिए आप बोल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ स्पीडअप रेशियो एट द टाइम ऑफ, जब आपका दोनों का इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का टाइम सेम होता है तो आपका वो सेगमेंट के इक्वल होगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं जो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट बिकॉज कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। नाउ अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे जो आपके नवंबर 2020 में आया था। बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना आना इन द सेंस, अ नॉन पाइपलाइन सिस्टम टेक्स 50 नैनो सेकंड्स टू प्रोसेस अ टास्क। मतलब कि एक नॉन पाइपलाइन सिस्टम है वो किसी टास्क को करने में कितना टाइम ले रहा है? 50 नैनो सेकंड इज द टाइम। यहां तक हमने क्वेश्चन को समझ लिया। द सेम टास्क मतलब ये सेम टास्क कैन बी प्रोसेस्ड इन अ 6 सेगमेंट पाइपलाइन विद अ क्लॉक साइकिल ऑफ 10 नैनो सेकंड। अगर इस सेम टास्क को आप अगर पाइपलाइन की मदद से करोगे, सेम टास्क को अगर आप पाइपलाइन की मदद से करोगे तो कितना टाइम लग रहा है? 10 नैनो सेकंड्स लग रहा है। इन्होंने क्वेश्चन में ये गिवन है, ये गिवन है, और आपको यहाँ पे के सेगमेंट बता दिया। के सेगमेंट का मीनिंग कि कितने टोटल नंबर ऑफ फेजेस आपके हो गए, दैट इज 6। तो डिटरमाइन करना है अप्रोक्सीमेटली द स्पीडअप रेशियो। तो स्पीडअप रेशियो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टास्क by total number of time taken by non-pipeline instruction divided by total number of segments for pipeline and n minus 1। क्यों? क्योंकि अगर एक टास्क को एक बंदे ने एक बार कर दिया तो जो दूसरा बंदा है कहीं ना कहीं उसको एक स्टेप क्या लगेगा? कम लगेगा, माइनस हो जाएगा वहां पे। तो हेंस हम n minus 1 लेते हैं रिमेनिंग टास्क के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ टास्क क्वेश्चन में क्या गिवन है? 500 टास्क। तो आप यहाँ पे 500 लिख दो। नॉन पाइपलाइन का टाइम कितना गिवन है? 50 नैनो सेकंड्स, तो इनटू 50 एंड डिवाइडेड बाय सेगमेंट क्या है आपका, तो के की वैल्यू हो गई 6 एंड अगेन नंबर ऑफ टास्क तो सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सेम ही टास्क है, क्वेश्चन में गिवन है आपका सेम टास्क है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 500 माइनस 1 इंटू 10। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा? 4.95। तो इस क्वेश्चन में कोई भी ट्रिक नहीं लगाना था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है और आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप इजिली इसमें 2 मार्क्स सिक्योर कर सकते थे एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एनी डाउट? अदरवाइज वी विल प्रोसीड। सो नाउ डिफरेंस, अब हम डिफरेंस की बात चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप देखो जो आपका नवंबर 2020 में थ्योरी क्वेश्चन पूछा था, तो हो सकता है आपके एक्सपेक्टेड में 2021 में वो कुछ भी क्वेश्चन ड्राफ्ट करके पूछ सकते हैं थ्योरी, है ना। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं पाइपलाइन हमने क्या पढ़ लिया। इन अ पाइपलाइनिंग सिस्टम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आर ओवरलैप्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ओवरलैप का मीनिंग कि अगर एक इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा है, दूसरा डिकोड कर रहा है, तीसरा उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये पहला बंदा है तो दूसरा बंदा क्या करेगा? सिर्फ वो 1 सेकंड के लिए वेट करेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्ट इसने किया है और फिर उसका इसके बाद यहाँ से उसके टास्क शुरू हो जाएंगे। फिर जो तीसरा बंदा है फिर उसका एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज कि आप ओवरलैप्ड फैशन में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हो। मेनी इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि यहाँ पे सेम क्लॉक पल्स का यूज होगा, तो हर एक इंस्ट्रक्शन, जितने भी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं आपके पाइपलाइन में, वो सेम टाइम पे ही एग्जीक्यूट होंगे, तभी तो आप ओवरलैप कर रहे हो ना। नहीं तो आपने एक बंदे ने पूरा काम किया, उसके बाद फिर ये दूसरा बंदा यहाँ से शुरू करेगा, तीसरा बंदा यहाँ से शुरू करेगा, तो इसमें थ्रूपुट आपका क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, है ना।
एग्जीक्यूशन टाइम इज कंपेरेटिवली लेस एंड एग्जीक्यूशन इज डन इन फ्यूअर साइकिल्स. ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा, लेस होगा. क्यों? क्योंकि हम पैरेलली सारा चीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं. एंड द एफिशिएंसी ऑफ पाइपलाइन सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिवनेस ऑफ सीपीयू शेड्यूलर. अब मैं इसको करूंगी स्टार मार्क बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. समझिए, पाइपलाइनिंग में आप जब किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो सीपीयू हर एक चीज को हैंडल करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में. तो कौन से इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम देना है, कौन से इंस्ट्रक्शन को कितनी देर तक एग्जीक्यूट कराना है, कौन से इंस्ट्रक्शन को कितनी देर तक होल्ड कराना है, वेट कराना है, ये सब किस पे डिपेंड होगा, सीपीयू शेड्यूलर पे. तो ये सेम कॉन्सेप्ट आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हो इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस. तो ये सेम चीज किसके साथ लागू होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, इंस्ट्रक्शंस के साथ. तो इसीलिए एफिशिएंसी ऑफ पाइपलाइन किस पे डिपेंड करेगा, सीपीयू शेड्यूलर में. एज फॉर एग्जांपल, अगर कोई हायर प्रायोरिटी का इंस्ट्रक्शन आ गया, हायर प्रायोरिटी का अगर कोई इंस्ट्रक्शन आ गया तो आपका क्या होगा, लोअर प्रायोरिटी के जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो किस में चले जाएंगे, वेट स्टेट में चले जाएंगे. तो आप ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस यहाँ पे आपको उसी को इंटर रिलेट करना है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट पाइपलाइन. नाउ नॉन पाइपलाइन में ठीक इसका रिवर्स. रिवर्स मीन्स इंस्ट्रक्शंस को आप मर्ज करते हो एक सिंगल स्टेप में. ओनली वन इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड एट द ओनली वन इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम होगा. यहाँ पे ये छूट गया है, एट द सेम टाइम, कि एक बार में एक इंस्ट्रक्शन सीरियल वे में, है ना, जिसको बोलते हैं सीरियल फैशन. एंड जो भी आपका एग्जीक्यूशन टाइम है उसमें ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा एंड आपका नंबर ऑफ साइकिल्स भी ज्यादा होगा. एंड नॉन डिपेंडेंट ऑन द, ये डिपेंडेंट नहीं होता है सीपीयू शेड्यूलर में. इसका मतलब कि जिसकी प्रायोरिटी जैसे जो आ रहा है वैसे वो एग्जीक्यूट करेगा. तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन पाइपलाइन एंड नॉन पाइपलाइन. नाउ जस्ट गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कंपेयरिंग द टाइम टीवन टेकन फॉर अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, या इसको हम बाद में देखेंगे. हाँ, इस क्वेश्चन का आप आंसर दो. द परफॉर्मेंस ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर सफर्स फ्रॉम व्हाट, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन इसरो आल्सो, और एक बार आपका ये क्वेश्चन नेट में भी पूछा गया है. तो सी गेट 2020, मतलब 2002 का क्वेश्चन, अब जाके कहीं ना कहीं 2016-18 में आपके इसरो और यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछते हैं. इसीलिए बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो हमने अभी ये पढ़ लिया कि पाइपलाइन प्रोसेसर में परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा होता है, तो हमने उसका पॉजिटिव पढ़ा है. सफर्स मींस कि उसका ड्रॉबैक भी होगा, ठीक है. तो क्या पाइपलाइन प्रोसेसर का परफॉर्मेंस किन बातों से सफर करेगा? फर्स्ट है, द पाइपलाइन में स्टेजेस हैव डिफरेंट डिले. अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम ने तो स्टेजेस भी नहीं पढ़ाया है और मैम ने तो डिले भी नहीं बताया. सेकेंड है, कंसेक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. मतलब कि आप जब एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी क्या होती है, ये पॉजिटिव इफेक्ट है या ये निगेटिव इफेक्ट है, डिपेंडेंसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. एंड थर्ड इज द पाइपलाइन स्टेजेस शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज. तो शेयरिंग करने से कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, व्हाट विल बी द आंसर? क्या ये तीनों ऑप्शन सही है? इससे आपका परफॉर्मेंस में कुछ असर पड़ेगा, यस और नो? आई विल जस्ट टेल यू कि अगर आपने अभी तक ये मेरे से नहीं पढ़ा, बट दिस अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस जो मैंने अभी मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड किया था नवंबर 2020 का. अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा, मैंने उससे बताया था भले आप कॉन्सेप्ट एग्जाम में पढ़ के ना जाओ, पर अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ओपन है तो आप इजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. अब इस क्वेश्चन में क्या है, लेट अस सपोज कि हम पाइपलाइन प्रोसेसर पढ़ के ही नहीं गए, बट हमें पता है कि हाँ एक वाटर का पाइपलाइन होता है, कंटिन्यूअस पानी का फ्लो होता है, ठीक है. तो अब उसका परफॉर्मेंस किस पे बेस्ड होगा? परफॉर्मेंस इसका ये मतलब है कि आप समझो कि लेट अस सपोज अगर मैंने बोला कि गवर्नमेंट का एक स्कीम है, उस स्कीम के तहत मॉर्निंग में 7 AM पे हम लोग वाटर सप्लाई में पानी छोड़ते हैं, समझो, है ना. तो इट मींस कि गवर्नमेंट का जो एक बंदा है, वो बंदा किसी वजह से बीमार हो गया और वो 7 बजे सो के नहीं उठा, वो 8 बजे सो के उठ रहा है, तो उस दिन क्या होगा, जितने घर में पानी जाती है क्या वहां पे पानी पहुंचेगा, यस और नो? ऑब्वियस सी बात है, नो. क्यों? तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि अगर आपके कई सारे इंस्ट्रक्शन है और उनके बीच में डिपेंडेंसी है, ऑब्वियस सी बात है वाटर के पाइपलाइन में एक स्टार्ट है और एक एंड है.
तो अगर किसी ने स्टार्ट वाला नल खोला ही नहीं तो क्या आपका पानी का फ्लो होगा? नहीं होगा। तो डिपेंडेंसी क्या होती है? इसकी वजह से आपका हो सकता है इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन स्लो हो जाए, तो ये सफर कराएगा। हाँ, सफर कराएगा। जैसे आपका अभी जेआरएफ का एग्जाम है, ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ साथ में कोलैबोरेट करके पढ़ रहे हो। आप आपके फ्रेंड ने बोला कि भाई मैं तुझे ना ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम के 10 दिन पहले समझा दूंगा, आप उसके भरोसे बैठे हैं और एग्जाम के 10 दिन पहले ही वो गायब हो गया, तो क्या होगा? ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम के 10 क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, ये आप समझ के चलिए कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को या किसी भी प्रोसेस को या किसी भी थ्रेड को जब आप एग्जीक्यूट करते हो, वहां पे डिपेंडेंसी हमेशा क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूं तो आप वहां भी पढ़ते हो कि कपलिंग आपका क्या होना चाहिए? ऑलवेज मिनिमम होना चाहिए, डिपेंडेंसी हमेशा कम होना चाहिए, है ना? तो ये पॉइंट तो यहाँ पे ट्रू हो गया। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है, द पाइपलाइन स्टेजेस शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेस। अब वो क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है हार्डवेयर रिसोर्सेस। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं लैपटॉप यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब लेट अस सपोज मेरे घर में एक ही लैपटॉप है, मेरा कोई और फ्रेंड है यहाँ पे जिसको लैपटॉप की जरूरत है, तो जब तक मेरी ये टास्क कंप्लीट नहीं होगी तब तक मैं उसको लैपटॉप नहीं दूंगी। तो उसके काम पे इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? ऑब्वियसली यस, इफेक्ट पड़ रहा है। तो आपके हार्डवेयर के जो रिसोर्सेज होते हैं, अगर आपका वो शेयरिंग मोड में है तो उसमें भी आपका क्या होगा? कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस लो होती है। तो अगेन ये पॉइंट भी आपका ट्रू हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है सफर। थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, द पाइपलाइन स्टेजेस हैव डिफरेंट डिले। अगेन दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट कि हर पाइपलाइन के स्टेज को एग्जीक्यूट होने में डिफरेंट डिले लगता है। जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज रात में, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। तो दीज आर द 4 स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन को जब आप एग्जीक्यूट करते हो, इन सारे स्टेजेस का जो डिले होता है वो अलग अलग होता है। हो सकता है कोई आपका लंबा इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को फेच करने में, मतलब मेन मेमोरी से सीपीयू में लोड करने में ज्यादा समय लग गया, या जब आप उसको प्रोसेस कर रहे थे उस बीच में कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया तो फिर से वहां पे डिले हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, पाइपलाइन प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस होता है वो इन तीनों चीजों पे डिपेंडेंट होता है। हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस, माय वॉइस इज क्लियर? यस। नाउ यहाँ पे स्टेजेस की बात की गई थी, तो स्टेजेस मैं ये बताना चाहूंगी कि पाइपलाइन में हमने थ्योरी थ्योरी को सिर्फ कवर किया, भी सिर्फ पाइपलाइन के रिगार्डिंग, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्यों हमें पाइपलाइन यूज करना चाहिए। और हमने इसमें सेकंड टॉपिक देखा है स्पीडअप, ठीक है। तो स्पीडअप का 2 फॉर्मूला होता है कि अगर आपका सेम टाइम है तो हम क्या यूज करेंगे एंड अगर डिफरेंट टाइम है तो क्या यूज करेंगे। सेम इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अभी हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। एंड इसमें तीसरा जो क्वेश्चन बनता है, तीसरा क्वेश्चन स्पीडअप का ही बनेगा जिसमें आपको स्टेजेस के बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एंड ज्यादातर ये देखा गया है कि गेट में क्वेश्चन पूछता है, बहुत ट्विस्टेड, बट अगर यूजीसी नेट में पूछेगा तो अगेन अगर आप ये स्टेजेस का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो, फॉर्मूला को अगर समझ लेते हो, तो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेजेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर पाइपलाइन में आपका इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन इंपॉर्टेंट है, मतलब जो इसके स्टेप्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। एंड यहाँ पे कुछ हैजार्ड्स होते हैं। हैजार्ड्स का मीनिंग कि जब आपके मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो जैसे हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ट्रांजेक्शंस एंड रिकवरी रिकवरी टेक्निक्स देखा था, सिमिलरली इसमें जो हैजार्ड्स होते हैं उस हैजार्ड्स को भी आपको कंट्रोल करना होगा। तो ये 5 से 6 टॉपिक है आपके पाइपलाइन के। अगर आप ये कंप्लीट कर लोगे तो आपका मई 2021 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होता है न्यूमेरिकल का, है ना, या थ्योरी कंफर्म है, उससे क्वेश्चन आएगा ही। तो हम इस डायग्राम को समझते हैं बिकॉज दिस इज अ डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर। तो अब इसमें क्या आपको समझाने की कोशिश किया गया है, देखो ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है, ठीक है। इसके बाद आपका जब यहाँ से कोई डेटा आप इनपुट दे रहे हो तो एक का इनपुट दूसरे के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट जो हो रहा है वो इसके लिए क्या काम कर रहा है, इनपुट का काम कर रहा है। अगेन इसका जो आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट का काम कर रहा है। इट मींस
इंस्ट्रक्शन आपका सीरियल वे में एग्जीक्यूट हो रहा है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है, इन सारे स्टेजेस को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये आपका एक कॉमन क्लॉक साइकिल है, कॉमन क्लॉक है, जो एक कंट्रोल यूनिट है वो कॉमन होता है हर एक इंस्ट्रक्शंस के लिए, ये सेकंड पॉइंट है। उसके बाद जब आपका डेटा इनपुट होगा यहाँ पे, तो R1 रिप्रेजेंट रजिस्टर्स, कि आपके रजिस्टर्स में डेटा यहाँ पे स्टोर होंगी। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब सीपीयू में का आर्किटेक्चर आप स्टडी करते हो, तो हम एक्सेसिंग स्पीड को फास्ट करना चाहते हैं, हेंस रजिस्टर एंड कैश का हम यूज करते हैं। एनसी रिप्रेजेंट फॉर वॉट, कोई भी एक आपका यहाँ पे सर्किट होगा, सर्किट कुछ भी हो सकता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट या फ्लिप फ्लॉप, आप कुछ भी लगा सकते हो। तो अब ये जो स्टेज है, ये पूरे स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इसके बीच का ये जो टाइम है, इसको आप बोलोगे डिले। और कल हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इस रजिस्टर का क्या नाम होता है, इंटरफेस रजिस्टर। ठीक है, ये इंटरफेस रजिस्टर का काम क्या है, ये होल्ड करेगा, क्या होल्ड करेगा, टेम्पररी रिजल्ट। तो दीज आर द सम ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इसरो में पूछे गए हैं। तो आपको इस डायग्राम का ईच एंड एवरी टॉपिक समझ में आना चाहिए कि रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, कंट्रोल यूनिट का क्या काम है। कंट्रोल यूनिट का अपने आप में ये मतलब होता है कि जो भी आप टाइमिंग सिग्नल्स देते हो, जो भी आप टाइमिंग सिग्नल्स देते हो, उसको वो कंट्रोल करता है। ईच एंड एवरी रजिस्टर को, ईच एंड एवरी सर्किट को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का है। क्यों? क्योंकि नाम से ही हमें मालूम है कि हमने अपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन इन द सेंस कि जब आपने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लिया होगा, तो वहां पे ही हम लोग ये पढ़ते हैं ना, कंप्यूटर सिस्टम की एक इनपुट होगा, एक आपका आउटपुट होता है, एंड हम लोग इस तरीके से सीपीयू बना देते हैं, जहाँ पे आपका कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, एंड ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये एक बेसिक डायग्राम होता है कंप्यूटर सिस्टम का। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको, जब इस कंट्रोल यूनिट को ही आप और डिटेल में बनाएंगे, तो इस तरीके से आपके ये स्ट्रक्चर ऑफ पाइपलाइन प्रोसेस का ये डायग्राम बनता है। ठीक है, तो अगर ये डायग्राम क्लियर हो रहा है, तो सेम चीजें यहाँ पे लिखा गया है कि पाइपलाइन में जो स्टेजेस होते हैं उनके बीच में डिलेज होते हैं। यस, डिलेज होते हैं, दैट्स व्हाई वो सफर करेगा। तो हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आर द क्राइटेरियाज और कंडीशंस जिसके बेसिस पे पाइपलाइन प्रोसेसर का परफॉर्मेंस सफर होता है। डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, शेयर्ड हार्डवेयर रिसोर्सेज नहीं होनी चाहिए, और कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। अगर हमने बोला है कि मीटिंग का टाइम 1 PM है, तो आप बाय 1 PM, मतलब आप बाय 12:55 टाइमिंग आप मीटिंग में शेड्यूल हो जाओ, वहां पे कोई डिले नहीं होना चाहिए। तो दिस इज हाउ कि आप अगर इसको रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से भी एग्जाम में ओपन माइंड होकर सॉल्व करेंगे, तो आप इजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो दिस वाज All about today's video, हम ज्यादा ज्यादा करके नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको टारगेट ये कर रही हूँ कि टॉपिक वाइज कवर करूँ। ठीक है, तो हमने जैसे पाइपलाइन प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया, इसके सारे फीचर्स को कवर कर लिया, उसके बाद हमने एक सेशन में स्पीडअप सब कुछ देख लिया है, एंड स्पीडअप का एक न्यूमेरिकल बनाया है। ठीक है, तो अब आपका टास्क ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में स्पीडअप का, जिसमें स्टेजेस वाले क्वेश्चन है, वो मत लेना। क्यों? क्योंकि ये आज रात में कवर करूंगी, बट इसके अलावा पाइपलाइन के जितने भी थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं, आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, एंड रात में हम स्टेजेस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आएंगे, एंड उसमें हम स्टेजेस में कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, स्पीड अप रेशियो बेसिकली निकालना, वो हम वहां पे सॉल्व कर लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करें एंड सब्सक्राइब भी करें, एंड अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सो थैंक यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके।